गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखेंगे ये फर्स्ट ईयर में आज सफर रहेगा पैमाने के प्रतिफल। पैमाना आप लोग समझते हैं जिसको हम स्केल बोलते हैं, जिसको हम इंजिट टैप बोलते हैं। जैसे कि एक प्रकार का स्केल होता है, एक फुट होता है, उसको हम क्या कहते हैं पैमाना। हम उस पैमाने को किसी भी ग्राफ पर, चाहे जमीन नापने के लिए, चाहे किसी मकान का एक स्ट्रक्चर लाने के लिए, या ऊंचाई नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए, उस पैमाने को हम समझते हैं कि पैमाने के प्रतिफल क्या है, उसके प्रति जो हमारे करने की क्रिया है वो क्या है। तो हमारे साथ में हम देखेंगे पैमाने के प्रतिफल में आता है, पहला प्रतिफल आता है पैमाने की वर्धमान प्रतिफल। वर्धमान मतलब होता है बढ़ते गए, मतलब जो प्रतिफल है जो बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। इसमें क्या होता है कि हम साधन को मानन करते हैं, इसकी साधन है अपने कौन-कौन से साधन है। पहला है क्रम पूंजी, दूसरा है क्रम श्रम। हम दो चीजों को लाइफ में कोई भी इंसान होता है वो सिर्फ दो चीजों में इन्वेस्ट करता है, एक करता है पूंजी का, दूसरा करता है श्रम का। क्योंकि हम अगर कोई बिजनेस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पूंजी का और श्रम का। तो हमने गेहूं की कटाई वगैरह खेती करते हैं तो हम पूंजी और श्रम करते हैं, श्रम का। उसी प्रकार हम अपने ग्राम में समझेंगे कि पूंजी और श्रम का किस तरीके से हम उसमें एक्शन प्रोडक्शन करते हैं तो कितना उत्पादन हमारे पास निकल कर सामने आता है। तो पहले ग्राफ की मानता हूँ, ग्राफ लिखेंगे इस तरीके से, ये ग्राफ है, ये उसका पैमाना है, इसको हम एक्स अक्ष मानेंगे, इसको हम वाई अक्ष मानेंगे। इस तरह चीजों को इस तरीके से ग्राफ में आप चर्चा करेंगे कि चाप में जैसे हम ये वो है, जैसे हम वस्तु इस तरफ देते हैं पूंजी, इस तरफ देते हैं श्रम, हम दोनों को समान मात्रा में लगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हम पूंजी भी लगा रहे हैं प्लस श्रम भी कर रहे हैं। श्रम कैसे करते हैं, पूंजी कितनी लगा रहे हैं, मान लीजिए पूंजी हमने लगाई एन, एन हमने पूंजी को लगाया, श्रम बढ़ाया हमने एन, हमने यहां तक प्रोडक्शन होगा मैंने लिखी 20 क्विंटल, किसी प्रकार से 20 फीट का या 20 क्विंटल का या 20 कोई वजन होगा, तो 20 क्विंटल का यहाँ पर आया बनता P, मतलब कि प्रोडक्शन कितना होगा P का। इसी प्रकार से आगे वर्ष में मैंने क्या किया, आगे को मैंने इसको ग्राफ बढ़ाया हमने यहाँ पर, तो ग्राफ हमारा पहुंचा हमने यहाँ पर एम वन वस्तु को आगे बढ़ाया यहाँ पर एम वन वस्तु मतलब श्रम को लगाया, तो मेरा प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर 4, मतलब कि यहाँ तक मेरा बढ़ता जा रहा है 20 से 40 हो गया है, 40 से 40 बढ़ेगा यहाँ पर, हमने थोड़ा इसको और प्रोडक्शन किया मतलब इसमें वृद्धि की हमने, तो ये बढ़ के क्या हो गया यहाँ पर एम टू हो गया, यहाँ पर एम टू हो गया, ये बढ़े कितना बजे बनता 60 हो गया। मतलब मैंने लिखा था पैमाने के वर्धमान प्रतिफल क्या है, वर्धमान मतलब कि ये ग्राफ में काम को बढ़ता जा रहा है। अगर स्केल से अगर नापेंगे इस तरीके से, इस स्केल को यहाँ तक रखेंगे नापेंगे, इसको यहाँ से करके नापेंगे तो ये स्केल पर इन दोनों को देखेंगे तो ये बन गया होगा वर्धमान मतलब कि बड़ा प्रतिफल कहलाएगा। इस प्रकार से हम इसको कहेंगे इस तरीके से, इसको P1 मानेंगे, इसको P2 मानेंगे, तो मतलब बढ़ता प्रतिफल आ रहा है परिवार से देखेंगे कि OP प्रतिफल बड़ा हो रहा है से बड़ा क्या होगा उनका मतलब क्या लेवल बड़ा है ए पी और P1 क्या बना हुआ है इससे ए इससे और बड़ा हो गया है यहां से इतना बड़ा हो चुका है इससे और बड़ा हो चुका है तो इससे बड़ा हुआ P1 और P2 हो गया है। ये क्या उनका एक पैमाने का वर्धमान प्रतिफल है। ये आपके लिए बताता है कि साधनों कैसे आगे की ओर बढ़ाए, कैसे साधनों के ऊपर नहीं बढ़ाते, मतलब एक है वर्धमान प्रतिफल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।